डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री लेसन 2 चैप्टर नेम ब्रिंगिंग अप कारी पार्ट 1। टुडे वी स्टडी इन दिस चैप्टर ब्रिंगिंग अप कारी A little elephant. Now we start this chapter. In a first, we talk about the some important points of this chapter. Kari, a 5-month-old baby elephant. Kari एक 5 महीने का elephant यानी हाथी का बच्चा है. Lives and grow up with his 9 years old friend and keeper. और वह रहता है और 9 वर्ष के मित्र एवं रखवाले के साथ वह रहता है और बड़ा होता है. कारी does not eat much. कारी अधिक नहीं खाता है. Just about 16 kilogram of delicious chewing a day. केवल 40 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ प्रतिदिन वो खाता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव. कारी सेव अ बॉय फ्रॉम ड्राइंग. खिलाड़ी एवं भावुक. कारी एक लड़के को डूबने से बचाता है. फर्स्ट पैराग्राफ. कारी द एलिफेंट वाज 5 मंथ ओल्ड व्हेन ही वाज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. कारी एक हाथी का 5 माह का था जब मुझे ध्यान रखने के लिए दिया गया था. आई वॉज 9 years old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टी टू. मैं 9 वर्ष का था और उसकी पीठ तक पहुंच सकता था यदि मैं अपने पंजों पर खड़ा होता. ही सीम टू रिमेन डेट हाई फॉर नियरली 2 years. वह 2 वर्षों तक इतना ही ऊँचा रहा. ही ग्रो टूगेदर. हम साथ बड़े हुए. डेट इज प्रोबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टैल ही वाज. हम साथ खड़े हुए इसलिए मैं ये कभी नहीं जान पाया कि वह कितना ऊंचा था. ही लिव्ड इन अ पैवेलियन अंडर अ ट्रेस्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम सो डैट इट कुड नॉट फॉल इन. व्हेन कारी बम्प अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट. ही लिव इन अ पैवेलियन. वह पैवेलियन में रहता था अंडर अ ट्रेस्ड रूफ और जो भूसे के तिनकों से बनी छत के नीचे पैवेलियन में रहता था. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम और मोटे पेड़ के तनों पर टिका हुआ था जो उस पैवेलियन में रहता था. सो डैट इट कुड नॉट फॉल इन. विक वेंट कैरी पंप अगेंस्ट द पोल एज ही मूव्ड आउट. और पैवेलियन में जो रहता था तो मोटे पेड़ के तनों पर टिका हुआ था जिससे वह चलते समय उन स्तंभों से टकरा ना जाए. बंडे ऑफ द फर्स्ट थिंग कैरी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. पहली चीज कारी ने की थी वह एक लड़के का जीवन बचाना था. कारी डिड नॉट ईट मच. कारी अधिक नहीं खाता था. वट ही नेवर लेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विंक्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद. यद्यपि उसे 40 pounds टहनियाँ प्रतिदिन चबाने एवं खेलने को चाहिए होती थी. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग
फॉर हिज वार्थ। प्रतिदिन प्रातः मैं उसे स्नान के लिए नदी पर ले जाता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वेल आई रब हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। वह रेतीले किनारों पर लेट जाता था। मैं उसे नदी की स्वच्छ रेत से एक घंटे तक रगड़ता। आफ्टर डैट इसके बाद ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद वह पानी में एक काफ़ी समय तक लेटा रहता था। ऑन कमिंग वट आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक नॉवी। अब उसका जो त्वचा थी वह आबनूज की भांति चमक रही थी। एंड ही वुड स्क्वेल विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैग। और जब मैं पानी उसके कमर पर रगड़ता तो वह प्रसन्नता से चिल्लाता। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। और उसके बाद मैं उसे कान पकड़कर बिकॉज दैट इट द अर्लीस्ट ईजीएस्ट वे टू ले द एलिफेंट। क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है कि उसके कान पकड़कर हाथी को लाया जाए। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। और मैं उसे जंगल के किनारे छोड़ देता। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गॉट सम लेक्सियस ट्विंग्स फॉर हिज डिनर। जबकि वेल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट। जबकि मैं जंगल में चला जाता था। गेट सम लेक्सियस ट्विंग्स फॉर हिज डिनर। उसके रात्रि के भोजन के लिए कुछ रसीली टहनियाँ लाता था। वन हैज टू हैव अ वेरी शार्प हैज टू कट डाउन दीज ट्विंग्स। और उसके लिए इस प्रकार की टहनियाँ काटने के लिए अत्यंत धारदार आरी मशीन की आवश्यकता होती थी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैज्ड बिकॉज इफ अ ट्विंग इज मल्टेड एंड एलिफेंट विल नॉट टच इट। और इस प्रकार की टहनियाँ काटने के लिए अत्यंत धारदार आरी मशीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि टहनियाँ बेकार हो गई तो हाथी उन्हें छुएगा नहीं। इट वाज Not an easy job to get twigs and fence for Kari. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. It was not an easy job to get twigs. कारी के लिए टहनियाँ या छोटे पौधे लाना आसान नहीं था। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड ट्रीज टू गेट द मोस्ट डिलिकेट एंड टेंडर ट्विंग्स। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड ट्रीज। मुझे हर प्रकार के पेड़ों पर सबसे अधिक नाजुक टहनियाँ लेने के लिए
चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैचर ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। जैसे वह बड़ के पेड़ की नई व नाजुक मुलायम टहनियों का बहुत शौकीन था, जो पत्तियां एवं शाखाओं की नली के रूप में उगती थी। आई वॉज गैदरिंग सम वन शार्पिंग डे इन मार्च। मैं कुछ एकत्र कर रहा था जब मार्च के बसंती मौसम में, यानी मार्च के स्प्रिंग में मैं कुछ एकत्रित कर रहा था। व्हेन आई सडनली हियर्ड पारी कॉलिंग टू मी इन अ डिस्टेंस। जब मैंने अचानक से कारी की आवाज़ को मुझे पुकारते हुए सुना इन अ डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर से जब कारी ने अचानक से मुझे पारा और मैंने उसे सुना, तो एज ही वाज स्टिल वेरी यंग, मुझे लगा कोई उसे चोट पहुंचा रहा है। आई कॉल वाज मोर लाइक डैड ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। आई थो समबडी वाज hurting him, so I come down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. Suddenly, I was gathering some one spring day in March. मैं मार्च के बसंती मौसम में कुछ एकत्रित कर रहा था, तो व्हेन आई सडनली हियर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन डिस्टेंस, तो मैंने कारी को दूर से पुकारते हुए सुना। ही वॉज स्टिल वेरी यंग, वह काफ़ी छोटा था। इट द कॉल वॉज मोर लाइक डैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, और जो आवाज़ हाथी की अपेक्षा बच्चे की अधिक लग रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा कि somebody was hurting him, कि कोई उसे चोट पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं पेड़ से नीचे उतरा। And ran very fast to the edge of the forest, और जंगल की तरफ, जंगल की ओर तेजी से दौड़ा। Where I had left him, मैंने उसे जहाँ पर छोड़ा था। But he was not there, लेकिन वह वहाँ नहीं था। I looked all over, but I could not find him. मैंने उसे चारों तरफ देखा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। I looked all over, but I could not find him. मैंने उसको चारों तरफ देखा, but I could not find him. लेकिन वह कहीं नहीं मिला। I went near the edge of the water, मैं नदी के पानी के किनारे गया। And I saw a black something struggling over its surface, और देखा कोई काली सी चीज़ सतह पर हाथ पैर मार रही है। Then it rose higher and it was the trunk ऑफ माई एलिफेंट। जब वह ऊपर उठी तो वह मेरे हाथी की सूंड
थी आई थॉट मैंने सोचा ही वॉज ड्राइंग कि वह डूब रहा है मैंने सोचा कि वह डूब रहा है आई वॉज हेल्पलेस मैं असहाय था बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर क्योंकि मैं पानी में छलांग लगाना नहीं जानता था एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन और मैं उस 400 pounds को बचाने के लिए पानी में नहीं कूद सकता था क्योंकि मुझे अधिक ऊंचा था क्योंकि वह मुझसे अधिक ऊंचा था वट आई शा हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ऑफ कांच माई आईज वट लेकिन मैंने उसकी पीठ को पानी के ऊपर उठते देखा और जैसे ही उसने मुझे देखा वह चिंघाड़ा यानी उसने जोर से आवाज़ लगाई एंड हाथ पैर मार कर किनारे तक पहुँचा ही बिगैन टू द वाटर एंड द मोमेंट ऑफ कांच माई आईज ही बिगैन टू ट्रम्पल्ड एंड स्ट्रगल अप टू द शोर वह किनारे तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था देन स्टिल ट्रम्बलिंग टेम्प्टिंग द पुश्ड मी इन टू द वाटर और फिर उसने मुझे पानी में धक्का दिया एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम जैसे ही मैं पानी में गिरा आई सा अ बेबी लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर मैंने तली में एक लड़के को चित्त लेटे देखा ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम वट वॉज समवॉट अफ्लोट उसने तली को छुआ नहीं था बल्कि कुछ ऊपर तैर रहा था आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ मैं सांस लेने के लिए पानी की सतह पर गया और एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक और कारी खड़ा था अपने पैर रेत में जड़े हुए थे एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक एन हैंड वेटिंग फॉर माइन और उसने अपनी सूंड हाथ की तरह मेरे ओर खींच रखी थी आई डाइव ड्राउन अगेन मैं दोबारा से द एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राइंग बॉय फ्रॉम द सरफेस और दोबारा से मैंने गोता लगाया और डूबते हुए लड़के के शरीर को ऊपरी सतह पर ले आया नॉट बीइंग अ गुड स्विमर मैं एक अच्छा तैराक ना था आई कुड नॉट स्विम अश्योर एंड आई स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन लेकिन अच्छा तैराक नहीं होने के कारण मैं आई कुड नॉट स्विम अशोर मैं किनारे तक नहीं आ सका वट नॉट बीइंग गुड स्विमर क्योंकि मैं अच्छा तैराक नहीं था एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन और पानी का धीमा बहाव मुझे नीचे